नमस्कार, हंगामा न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा सिंह। अंबेडकर जयंती वाराणसी के रविदास घाट पर सुनकर समाज द्वारा धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बछड़ों को बाबा साहेब के चित्रों सहित पूरे बछड़े को फूलमाला से सजाया गया। साथ ही विभिन्न विद्युत झालर भी लगाए गए थे, जहाँ सुनकर बंधु बाबा साहेब के जय का उद्घोष कर रहे थे। आयोजित रैली का शुभारम्भ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार गौतम ने बछड़ों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयोजित कार्यक्रम के तहत सभी बछड़े रविदास घाट से शुरू होकर विभिन्न घाटों से होते हुए राजघाट पहुंचकर समाप्त हुई। रैली के दौरान सभी सोनकर बंधु सभी घाटों पर रुक रुक कर वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद का वितरण कर रहे थे। इस दौरान सोनकर समाज के वरिष्ठ नेता सुभाष सोनकर ने कहा कि सोनकर समाज ने आज एकजुट होकर बंधुत्व का जो संदेश दिया है वह अविस्मरणीय है। ये आयोजन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो भारतीय संविधान के निर्माता है, उनको पूरे देश के लोगों ने अपने भाग्य विधाता के रूप में देखा। और बाबा साहब अम्बेडकर ही पूरी दुनिया में ऐसे इकलौते व्यक्तित्व हैं जिनका जन्मदिन केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लगभग 45 देशों में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और ये बाबा साहब का जन्मदिन तो 14 अप्रैल का होता है, लेकिन 14 अप्रैल से लेकर के अप्रैल की आखिरी तारीख तक हम लोग बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। हम लोग जब तक इस देश का सौगंध खाते हैं कि इस देश की भविष्य बदल करके दबे कुचले सारे लोगों को एक समान बना करके उनके हक हकूक को देकर नौकरी दे करके इस देश में एक नया अध्याय नया विकास का एक मार्ग और दिशा तैयार किया जा रहा है। कहां से कहां तक आज आप लोग जाएंगे ये बनाते हुए? ये माननीय जोन साहब, हम लोग यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, ये रविदास पार्क के पास से, और हम लोग भैंसासुर संत गुरु रविदास घाट तक जाएंगे। इसमें प्रसाद का वितरण करते हुए और बाबा का जय जयकार करते हुए, जो समान ये संविधान के निर्माता है, बाबा रत्न हमारे भारत के रत्न है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेवा से वंचित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के मधुबन चौराहे पर सेवा बहाली की मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही अपने मांगों के संबंध में कुल सचिव को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि हमें पहले आश्वासन दिया गया था कि हम सभी कर्मचारियों की सेवा बहाली कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अब तक कर्मचारियों को सेवाओं की बहाली नहीं की गई, जिससे हम सभी कर्मचारी काफी आहत हैं। हम लोग 20 महीने से जो है हम लोगों की जो है एक धरना हुआ था जो लंका पर, उसमें हम लोग एक डीसी साहब को एक अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं कि जो कि हम लोगों का ये जब रजिस्ट्रार से और रजिस्ट्रार से मिलते हैं तो ये कहा जाता है कि ऊपर से आदेश होने के बाद आप लोगों का कर दिया जाएगा, जबकि एक मार्च 2018 को जो है ये यूजीसी द्वारा जो आदेश हुआ है, लेकिन अभी आज तक किसी भी प्रकार का हम लोगों के प्रति कुछ भी नहीं किया गया। इससे पहले भी आप लोग कई बार रजिस्ट्रार से मिल चुके हैं? हाँ, तो उनसे आश्वासन क्या दिए हैं? आश्वासन यही दिए कि जब ऊपर से आदेश हो जाएगा तो आप लोगों का कर दिया जाए, हम कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हंगामा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।